जी नाम क्या है भाई? मेरा नाम विनय तिवारी है और मैं इस समय पालानी तहसील जिला बांदा आया हूँ गौशाला के विषय में। हमारे गांव में गौशाला नहीं है जिसकी वजह से सारी फसलें नष्ट हो रही हैं और ये गौशाला सिर्फ प्रधान और लेखपाल के द्वारा नहीं बनवाया जा रहा है। हम सालों से हमारे गाँव वाले और हम गाँव से सैकड़ों लोग आ रहे हैं जिनकी आज फिर से हम लोग करीबन 20 लोगों को साइन करवा के लाया हूँ मैं ये अप्लीकेशन, जिससे तहसीलदार ने लेने से इनकार कर दिया। कह रहे हैं कि अपना ब्लॉक से बजट पास करवाओ, उसके बाद में बताना तो हम लोग सरकारी जमीन निकलवा देंगे। और जब हम ब्लॉक में जाते हैं तो ब्लॉक वाले कहते हैं कि लेखपाल करवाएंगे, लेखपाल कैसे कहते हैं तो वो कहते हैं प्रधान से करवाएंगे। अच्छा। तो प्रधान गौशाला खुलवाएंगे लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार से गौशाला नहीं खुलवाया जा रहा हमारे गाँव में। जी हमारे गाँव में किसी प्रकार से गौशाला नहीं खुलवाया जा रहा और सब पूरा किसी सभी लोगों को मिली भगा अधिकारियों की, ये लोग पूरे भ्रष्टाचार से फैले हुए हैं और ये लोग भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। इनका आतंक पूरे गौरी कला में फैला हुआ है जिसकी वजह से गौशाला क्या कोई भी सरकारी काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार का नाम बदनाम हो रहा है। लोग गालियां दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, जो इतने अच्छे महान कार्य कर रहे हैं लेकिन वहां तक बात नहीं पहुंच पाती है सिर्फ इन अधिकारियों की वजह से। ये अधिकारी लोग ना जो है तो ये सब भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे सब मेरे गौरी कला की बात नहीं है, मेरे गाँव की बात नहीं है, ये सभी गाँव की बात है। सभी बहुत सारे गाँव में सब भ्रष्टाचार मचा हुआ है, किसी भी अधिकारी कोई किसी से सुनता नहीं है दुखी जनता की। सिर्फ उन लोगों को भगा देता है, सिर्फ गुंडों से पैसा मिली भगत की वजह से पैसा पाते हैं और जनता को दुखी किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से न आवास शौचालय जितने भी जो भी चीज़ें हैं गलत लोगों को अपात्र लोगों को दी जा रही है, जो पात्र लोग हैं वाकई में उन लोगों को नहीं दिया जाता है। धन्यवाद विनय तिवारी।